स्टूडेंट्स, हमने अ गिफ्ट्स ऑफ चप्पल का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं उसका सेकंड पार्ट। मृदु क्रेप्ट अप द विंडो। लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे ऑकर्डली होल्डिंग हर वॉयलिन एंड बो स्ट्रिंग, हर एल्बोस जस्टिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज्ड विथ कॉन्सेंट्रेशन इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around the ears and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered dusty edge, and he was beating time on the floor with the scarve big toe. मृदु थोड़ा सा विंडो की तरफ देखती है। वहाँ उसे लल्ली बैठी, कुछ दूर पर बैठी हुई, वहाँ पर वो उसको दिखती है। वहाँ पर उसने बहुत ही अजीब तरीके से वायलिन को पकड़ा हुआ होता है, उसकी एल्बो मुड़ी हुई होती है और उसकी आंखें बहुत ध्यान से देख रही होती हैं वायलिन को। उसके सामने बैठे होते हैं म्यूज़िक मास्टर, जिनके पीठ विंडो की तरफ थी। जहाँ विंडो से उनकी पीठ और बाल दिख रहे थे, उनके सर पर ज़्यादा बाल नहीं थे, वे टकले थे। वो और जो थे उन पर ऑयल लगा हुआ था, जितने भी बाल उनके सर पर थे उन पर ऑयल लगा हुआ था और उनके जो बाल थे वो कान पर गिर रहे थे। मतलब पुराने तरीके की चोटी भी थी और वो ओल्ड फैशन की तरह दिख रहे थे। एक गोल्ड चेन, सोने की चेन होती है जो उनके गले में चमक रही होती है। उनके हाथ में एक डायमंड की रिंग होती है जो काफ़ी चमक रही होती है और उसकी चमक ऊपर नीचे जा रही थी जब वो वायलिन बजा रहे थे। मतलब जिस तरह से वो वायलिन बजा रहे थे उसी तरह से उस अंगूठी की चमक भी ऊपर नीचे जा रही होती है। और वो एक गोल्डन बॉर्डर्ड वाली धोती पहने रहते हैं जिसमें से उनके पैर दिख रहे होते हैं और वो वायलिन की थाप पे अपने पैरों को चला रहे रहते हैं, वायलिन की धुन पर अपने पैर थपथपा रहे रहते हैं। ही प्लेड फ्यू नोट्स, लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड। वॉट अ डिफरेंस द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम्स टू फ्लोट अप एंड settled perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. As Ravi said, Mridu stared at the huge bearinged hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music. वे कुछ नोट्स बजा रहे थे, मतलब वे कुछ धुन बजा रहे थे। लल्ली उनके साथ साथ अपने वायलिन पर उन धुनों को बजा रही थी, जो धुन जो म्यूज़िक मास्टर बजा रहे थे उसी धुन को। वह थोड़ा लड़खड़ा रही थी, मतलब वो थोड़ा लड़खड़ाई मीन्स रुकते हुए बजाया, और उसके हाथ में वायलिन बहुत ही असहाय और दुखी दिख रहा था। कितना फ़र्क था म्यूज़िक मास्टर और लल्ली जो बजा रही थी उन दोनों के सुर में। म्यूज़िक मास्टर के जो सुर थे वो ऊपर की ओर उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, हवा में तैरते हुए वो परफेक्टली सेटल हो रहे थे। इनविजिबल रास्ते पर मीन्स मधुर संगीत के अदृश्य रास्ते पर बिस्ते चले जा रहे थे। वो तो बिल्कुल ऐसा ही था जैसा रवि ने कहा था कि वो तो ट्रेन के पहिए पटरियों पर स्मूदली फिट हो जाए और सनसनाते हुए उस पर से गुजरे। ऐसा रवि ने म्यूज़िक मास्टर के लिए कहा था। मृदु ने देखा उस बड़े अंगूठी पहने हाथ को और वो हाथ म्यूज़िक मास्टर का हाथ वायलिन की छड़ी पर बिना किसी प्रयास के आसानी से चल रहा था और वो बहुत सुंदर संगीत बजा रहा था। कौन बजा रहा था? म्यूज़िक मास्टर। सो देयर वॉज लल्ली ग्रीलिंग अगेन, अम्मा कम अवेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, बहुत कर्कश आवाज़ आ रही थी और उसी से एक मतलब एक गेट के पास से पुकारने की आवाज़ आई, अम्मा। वेल मीन्स दुख भरी आवाज़, दुख भरी आवाज़ में किसी ने बोला अम्मा, फिर से किसी ने इस बात को पुकारा। रवि सेंड द बेगर अवे,
cried the mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi. रवि भिखारी को भेज दो, ऐसा जो है रवि की माँ ने पिछले बरामदे से चिल्लाते हुए कहा जहाँ पर वो तापी के साथ बातचीत कर रही थी। पिछले वीक से हफ्ते से वह रोज़ हमारे घर आता रहा है और अब समय है कि जब वो किसी दूसरे घर को ढूंढे भीख मांगने के लिए, पार्टी ने यह सब कुछ तापी को समझाया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। The beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze, said Ravi sternly. My party says it's time you found another house to beg. Mradu aur Meena bhi Ravi ke saath bahar gaye. भिखारी पहले से ही गार्डन में आ चुका था और अब वो वहाँ पर घर की तरह से आराम से बैठने की तैयारी कर रहा था। उसने अपने ऊपर का कपड़ा जो उसने अपने कंधे पर डाला हुआ था वो कपड़ा उठाया, नीम के पेड़ के नीचे बिछा दिया और नीम के पेड़ के तने का सहारा लेकर बैठ गया, मतलब आराम करने लगा। अपेरेंटली मीन्स स्पष्ट तौर पर, क्लियरली वो वहाँ पर आराम करने लगा और वो यह सोचने लगा कि अब उसे भीख मिले, मतलब वो वहीं पर बैठ कर वेट करता है कि कोई उसे भीख देने के लिए आ जाएगा। तभी रवि कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, और कहता है कि पाती कह रही है कि अब समय आ गया है, तुम किसी और घर से भीख मांगो, यह तुम्हारा समय पूरा हो गया है। ऐसा किसने कहा? रवि ने कहा। किससे कहा? बेगर से कहा। द बेगर ओपन्ड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच अदर of the children one by one. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. Amma, amma, oh, said his well-made might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and come booming out of his mouth with its few remaining teeth stand brown and battle chewing. भिखारी अपनी आंखें खोलता है वाइडली और बच्चों की तरफ एक एक करके देखता है, घूर कर देखता है, फिर कहता है कि इस घर की लेडीज़, मतलब उसके मन में एक फीलिंग्स आती है, एक बहुत अच्छी फीलिंग के साथ में वो बोलता है कि इस घर की जो लेडीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, मैं एक हफ्ते से यहाँ आ रहा हूँ और उनकी जो अच्छाई है उसकी वजह से यहाँ पर बैठ जाता हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने मुझे यहाँ से जाने को कहा है। और वह बोलते टाइम उसकी आवाज़ थोड़ी तेज़ हो गई थी, अम्मा अम्मा, फिर से रवि ने तेज़ आवाज़ में, मतलब वो बोलता है अम्मा अम्मा करके। रवि टेल हिम There is nothing left in the kitchen called Rukumani and he is not to come again. Tell him that. She sounded fed up. जो Rukumani है, रवि की मम्मी है, वो उससे कहती हैं कि उससे कह दो किचन में कुछ नहीं बचा है, मीन्स उसे देने के लिए कुछ नहीं है, वह यहाँ से चला जाए और दोबारा यहाँ ना आए। उसकी जो आवाज़ थी वो थोड़ी तेज़ भी रहती है। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, व्हाट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर दे अंडर द नीम ट्री। द बेगर सेट अप एंड साइटेड। जो उनकी आवाज़ रहती है वो तेज़ रहती है, रवि को कुछ भी चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती, बेगर यह सारी बातें खुद सुन लेता है जो नीम के नीचे बैठा हुआ होता है। सुनकर वह आसपास देखने लग जाता है, वहाँ पे बैठे बैठे वो वहाँ पर देखता है। आई विल गो ही सेड वियरली, ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री,
द सन इज सो हॉट द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट. वह कहता है मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मुझे थोड़ी देर इस ट्रीज पेड़ के नीचे रेस्ट करने दो. सूरज की गर्मी तेज है और रोड पर तार है, वो सूरज की गर्मी से पिघल गया है और मेरे जो पैर हैं ऑलरेडी जल चुके हैं, ब्लिस्टर्ड यानी जल जाना. फिर वह पैर उठाकर दिखाता है कि गर्मी के कारण उसके पैर पर गुलाबी गुलाबी छाले बन गए हैं. आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना. रवि हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, मृदु फुसफुसाकर मीना से कहती है शायद इनके पास पैसे नहीं होंगे चप्पल खरीदने के लिए. फिर मृदु और मीना रवि से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास घर में कहीं पुरानी चप्पल का जोड़ा है क्या, मतलब कोई तुम्हारे घर में कोई पुरानी चप्पल रखी हुई है क्या. आई डोंट नो सेड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई हैव गिवन देम टू हिम एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज. रवि कहता है मुझे नहीं पता और मेरे पैर छोटे हैं, मेरी तो इनको चप्पल नहीं आएंगी, नहीं तो मैं अपनी दे देता. भिखारी के पैर मीना और मृदु के पैरों से भी बड़े थे. द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती. ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट. भिखारी उठता है और अपने अपर क्लोथ जो उसने ऊपर का कपड़ा नीचे बिछाया होता है उसको झटकार कर अपनी धोती कसता है और अपनी आंखें उठाकर सड़क की तरफ देखने लगता है जो दोपहर की गर्मी से तप रही थी. ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड हर बिग आईज फीलिंग इट्स नॉट फेयर. मीना कहती है इनको पैरों में पहनने के लिए कुछ ज़रूरत है, कुछ चाहिए, यह सही नहीं है. रवि सैड रवि आई एम थिंकिंग अबाउट इट बबलरिंग इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प इन टू मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड. वॉट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स, सो वेयर डू वी गेट देम, कम लेट्स सर्च द हाउस. ही पुश्ड मृदु एंड मीना इन टू द हाउस. रवि उनको बोलता है तुम चुप हो जाओ, मैं बारे में कुछ सोचता हूँ. ब्लबरिंग मीन्स बड़बड़ाना, वो बड़बड़ाता है, यह सही नहीं है, क्या इनकी हेल्प की जा सकती है. दो मिनट में ही सड़क पर ये फ्राई हो जा इनके पैर फ्राई हो जाएंगे. इनको क्या चाहिए, इनको एक जोड़ा चप्पल चाहिए तो वो हमें कहाँ मिलेगी. तभी मृदु और मीना कहते हैं चलो हम घर के अंदर चलकर ढूंढते हैं. वह मृदु और मीना को भी घर के अंदर ले जाता है. जस्ट एज शी स्टेप्ड इन टू द वरांडा मृदुज आईज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड. रवि शी विस्पर्ड टू हिम हूज आर दोज. जैसे ही मृदु वरांडा में जाती है उसकी आंखें उन पुराने चप्पलों पर पड़ती हैं जिन्हें उसने देखा था जब वह घर के अंदर आई थी. जब वह घर में आई थी वह फुसफुसा कर कहती है रवि वे किसकी हैं. कौन बोलता है ऐसा, मृदु बोलती है रवि से, क्योंकि जब वो आई थी उसने एक जोड़ा पुरानी चप्पल देखी थी. रवि टर्न एंड ग्लेंस्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स. ही बीम्ड एंड नूडेड देयर आर जस्ट द राइट साइज ही सैड पिकिंग देम अप. मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इन टू द गार्डन. जो चप्पल हैं उसकी पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर बताई हुई है कितनी पुरानी चप्पल हैं वो. रवि उन चप्पलों के वो ध्यान से देखता है, उन चप्पलों की तरफ मुड़ता है और उनको ध्यान से देखता है जो काफ़ी पुरानी हैं. और फिर रवि कहता है यह बिल्कुल सही साइज़ की हैं. वह उन्हें उठाता है और गार्डन की तरफ बढ़ता है. मीना और मृदु भी रवि को फॉलो करती हैं गार्डन की तरफ. कहाँ पर बढ़ते हैं वो लोग, गार्डन की तरफ बढ़ते हैं. मीना और मृदु भी उसको फॉलो करती हैं. Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man, wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly
flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. In a minute, he had vanished around the corner of the street. यह लो, रवि भिखारी के सामने चप्पल डालकर कहता है, इसे पहन लो और दोबारा यहाँ मत आना। भिखारी घूर कर चप्पलों को देखता है और जल्दी से अपने पैर में उसे डाल कर वहाँ से चला जाता है, बड़बड़ाते हुए, मतलब बच्चों को दुआ देते हुए, और एक मिनट में ही वो स्ट्रीट के कॉर्नर से गायब हो जाता है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट देम। म्यूजिक मास्टर जो है वो घर से बाहर आते हैं, एक अच्छा सा लुक देते हैं वो तीनों बच्चों को जो पेड़ के नीचे बैठकर मार्बल्स से खेल रहे होते हैं। फिर वे अपनी चप्पलों को ढूंढते हैं जो उन्होंने वरांडा में रखी थी। लाली लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। शी हरीड अप टू हिम। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर? आई रिमेंबर हैविंग कैप्ट देम हियर। थोड़ी ही देर बाद वो लल्ली को आवाज़ लगाते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी? मुझे याद है, मैंने यहीं रखी थी। ऐसा म्यूजिक टीचर किससे बोलते हैं? लल्ली से। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। ही स्क्रेट अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन दैम। ब्रैंड न्यू देवर आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम। He went on saying, "They cost a whole month's fees, do you know?" रवि, मृदु और मीना चुपचाप लल्ली और म्यूजिक टीचर को, म्यूजिक मास्टर को कुछ ना कुछ ढूंढते हुए देखते हैं, जो वरांडा के हर कॉर्नर में चप्पल खोज रहे होते हैं। हर तरफ फ्लावर पॉट के नीचे, उसके आसपास रेलिंग के, वहाँ सब जगह पर वे चप्पलों को ढूंढ रहे होते हैं। म्यूजिक मास्टर कहते हैं, वो मेरी नई चप्पलें थी, मैं माउंट रोड तक गया था उन्हें लेने के लिए। जितनी पूरे मंथ की म्यूजिक की फीस है उतनी उसकी कीमत थी। सून लल्ली वेंट टू टेल हर मदर। रुक्कुमनी अपीयर्ड लुकिंग हैरेस्ड विद पार्टी फॉलोइंग हर। फिर जल्दी ही लल्ली अपनी माँ को बताती है। रुक्कुमनी हड़बड़ा कर आती है, साथ में पार्टी भी आती है। वेयर कुड दे बी? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरिड पार्टी। वो कहती हैं, वो कहाँ हो सकती हैं, यह अजीब बात है कि कोई उनको चुरा कर ले गया। पार्टी कहती हैं, रोज़ घर घर सामान बेचने वाले वेंडर्स जो होते हैं वो आते हैं, पर कभी ऐसा नहीं हुआ। रुक्कुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीनू सिटिंग अंडर द ट्री हैव चिल्ड्रन शी बिगैन एंड देन सीइंग देवर curiously quiet went on more slowly seen anyone lurking around the veranda a sharp v shaped line and had formed between her eyebrows another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth rukumani was angry thought mridu with a shiver she wouldn't be so upset if she knows about the poor beggar with सोर्स ऑन हिज फीट शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ। रुक्कुमनी रवि मीना और मृदु को देखती है कि वे पेड़ के नीचे बैठे हैं, चुपचाप से पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। रुक्कुमनी देखती है और धीरे से पूछती है, तुमने किसी को वरांडा के पास देखा था? और उनके चेहरे पर आईब्रो के बीच में वी शेप बन जाता है, मतलब वी शेप की लाइन बन जाती है जो नॉर्मली गुस्से में लोगों के चेहरे पर बन जाती है ना, वैसे रुक्कुमनी को गुस्सा आ गया था। उनके मुंह के पास में भी ऐसी ही लाइनें बन जाती हैं, जिससे अलग दिख रहा था कि रुक्कुमनी को क्या आ गया है, गुस्सा आ गया है। मृदु घबरा जाती है कि रुक्कुमनी नाराज़ होंगी। फिर वह अपने आप से बोलती है कि वे अपसेट नहीं होंगे जब हम पुअर बेगर के बारे में बताएंगे तो कि उनके पैर बिना चप्पल के कैसे हो गए थे, तब वो गुस्सा नहीं होंगी, ऐसा मृदु बोलती है। सो सैड रुक्कुमनी ग्रिमली टर्निंग टू रवि यू गैव द म्यूजिक सॉरी टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड रुक्कुमनी देयर वॉज अ बेगर
here, poor thing, he had such boils on his feet. गहरी सांस लेकर मृदु एक गहरी सांस लेती है और कहती है, रुकुमणि यहाँ पर एक भिखारी था, वो बहुत गरीब था, उस बेचारे के पैर जल गए थे, उसमें छाले पड़ गए थे. सो सेड रुकुमणि ग्रिमली टर्निंग टू रवि, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर. वो कहती हैं, तो रुकुमणि गुस्से में कहती हैं, तो तुम लोगों ने उस भिखारी को म्यूजिक मास्टर की चप्पलें दे दी जो यहाँ आया था. चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पार्टी, जो पार्टी है वो कहती हैं, आजकल के बच्चे मनमानी करते हैं. अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड इयर रिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस. तब वो बोलती है, रवि कहता है कि अम्मा अपनी अम्मा से बोलता है कि क्या आपने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था जिसने अपनी सारी चीज़ें दान कर दी थी, वो बहुत अच्छा और दयालु था, उसने अपने सोने के इयर रिंग्स भी दे दिए थे. सिली स्नैप्ड रुकुमणि, कर्णा डिडंट गिव एनी अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओन. तो जो रुकुमणि है वो कहती हैं, कर्ण दूसरों की चीज़ें नहीं देता था, दूसरों की चीज़ों को नहीं देता था, वो अपनी चीज़ें दान करता था, ना कि किसी दूसरे की चीज़ें दान करता था. बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट. रवि रश्ड ब्रैशली ऑन एंड अम्मा, इफ दे डिडंट फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड. वो रवि बोलता है कि मेरी चप्पल उस बेगर को फिट नहीं आती, इसलिए मैंने उसे म्यूजिक मास्टर की चप्पल दे दी, मतलब जो मेरी चप्पल उसको नहीं आ रही थी इसीलिए मैंने उसको ये वाली चप्पलें दे दी थी. रवि सेड रुकुमणि वेरी एंग्री, नाउ गो इनसाइड दिस मिनट. रुकुमणि जो है वो बहुत गुस्सा होकर रवि से कहती हैं कि चुपचाप अंदर चले जाओ. शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉड आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स. दिस शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दिस ऑन. आई एम सो सॉरी माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी. द म्यूजिक मास्टर आईज लिट अप, ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी. वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू. दिस डेज चिल्ड्रंस हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, वॉट टू डू. अ हनुमान इनकारनेट, ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो. रुकुमणि'स आईज फ्लैश्ड, शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बींग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ होली मंकी. शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर. इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली. रुकुमणि भी अंदर जाती है और वहाँ से वो गोपू मामा की नई चप्पलें लेकर आती है. फिर वो म्यूजिक टीचर को बोलती है, सर यह चप्पल आपको फिट आ जाएगी, आप इन्हें पहन लीजिए. और सॉरी बोलती है, कहती है मेरा बेटा बहुत शरारती है. म्यूजिक मास्टर की आंखें चमक जाती हैं, वो उन्हें पहनते हैं और ट्राई करते हैं, ऐसा दिखाते हैं वो कि वो खुश नहीं है और बोलते हैं ये फिट है. और साथ में ये भी बोलते हैं कि आजकल के बच्चे बड़ों की इज्जत नहीं करते, क्या कर सकते हैं. फिर वह कहते हैं कि यह हनुमान जैसा शरारती है, जैसे हनुमान जी शरारती थे वैसे ही यह भी शरारती है. राम इस बदमाश को बचाए, जिस तरह से राम सबको बचाते हैं भगवान राम, उसी प्रकार वो बोलते हैं कि राम इस शरारती को बचाए. रुकुमणि की आँखें एकदम फ्लैश्ड हो जाती हैं, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई रवि को बंदर कहे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसको रवि को बंदर कहा जाए, चाहे वो कोई होली मंकी ही क्यों ना हो. रुकुमणि चुपचाप सीधे दरवाजे के पास खड़ी है और साफ दिख रहा है कि वह चाहती है कि वो वहाँ से चले जाए. When he had clattered off in his new chappals, she said, मृदु come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gopu mamas doesn't wear his chappals to work. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he come home. What
What's your mama going to say that this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? जब म्यूजिक मास्टर नई चप्पल पहनकर चले जाते हैं तब वह मृदु को कहती हैं, आओ और कुछ खा लो। फिर वह कहती है कि तुम बच्चे ऐसा कैसे सोच सकते हो, ऐसी चीज़ें करने का वो तो अच्छा हुआ गोपू मामा यह चप्पल अपने काम पर नहीं पहन कर जाते हैं। और जैसे ही वो किचन की तरफ जा रही थी मृदु और मीना के साथ, सडनली वे हंसने लगी। जैसे ही मामा काम से आते हैं वे अपने जूते मोजे उतार कर तुरंत अपनी चप्पलें पहनते हैं। फिर शाम को जब तुम्हारे मामा आएंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी कि मैंने उनकी चप्पलें म्यूज़िक मास्टर को दे दी हैं। ये हमारी अ गिफ्ट्स ऑफ चप्पल चैप्टर का सेकंड पार्ट था। इसको किसने लिखा है? वसंता सूर्या ने लिखा है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।